तो जीरे कबूतर की पहचान दोस्तों कैसे करें, हम अपने पीसी पर आ चुके हैं कंप्यूटर पर और आपको यहाँ से समझाएंगे बहुत बारीकी से दोस्तों कि जीरे कबूतर की पहचान कैसे होती है। ठीक है, हम एक एक करके दोस्तों देखो टाइम नहीं लग पा रहा और कई बार हम दूसरी वीडियो में बिजी हो जाते हैं तो ये वीडियो बीच में रह जाती है, और आने वाले टाइम में तकरीबन हम दोस्तों तकरीबन सभी नस्लों के ऊपर वीडियो डालेंगे ताकि हमारा भाई कोई डाउटफुल ना रहे कि कबूतर की पहचान हम कैसे करें। तो जीरे कबूतर में हमें दोस्तों क्या क्या देखना चाहिए कि हमें पहचान हो जाए कि ये जीरा है। लोग बाग इसको गजरा ना कहे कोई, ठीक है, कोई इसको गजरा कह देगा या इसको चपड़ा कह देगा, ना ये चपड़ा है ना ये गजरा है, लोग बाग इसको चीना भी कह देते हैं। कमेंट में हमने पूछा था कि कमेंट करके बताएं कि इस कबूतर को क्या कहते हैं, लोग बाग ने इसको चीना नीला चीना भी बता दिया, गजरा बता दिया, चपड़ा भी बता दिया, जबकि ये तीनों में से कोई भी कबूतर नहीं है। ठीक है, तो जीरे कबूतर दोस्तों ये तकरीबन मैं बता दूं आपको, ये नीले जीरे भी होते हैं, लाल जीरे भी होते हैं, काले जीरे भी होते हैं, सफेद जीरे भी होते हैं ये, ठीक है, और इसमें दवाज भी आ जाते हैं, नीला जीरा दवाज, लाल जीरा दवाज, काला जीरा दवाज, ठीक है, सफेद जीरा दवाज। मैं आपको जो फोटो मैंने कलेक्ट की है मैं वो आपको जरूर शो करूंगा और बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए कि जीरा कबूतर किसे कहते हैं। ठीक है, इसे कोई भी गजरा चपड़ा वगैरह ना कहे, ठीक है, तो इसमें बड़ी बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत से भाई इसमें ये कमेंट करते हैं कि इमरान भाई क्या जीरे कबूतर सिर्फ चींटी सफेद आंखों में आते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हर कबूतर तकरीबन हर हर आंख में, हर नस्ल हर आंख में मिल जाया करती है। ठीक है, तो अब हम आपको इसमें थोड़ा पहचान वगैरह कराते हैं, कबूतर की पहचान हम कैसे करें कि ये जीरा कबूतर है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा इसको जूम जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो मेरा माउस चल रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ जो पर देख रहे हो आप, ठीक है, लाल जीरा हो काला जीरा हो कोई सा भी कबूतर हो, अगर उसके परों में, ठीक है, थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए परों में काला जीरा हो लाल जीरा हो सफेद जीरा हो, उसमें परों में दो तरह की क्वालिटी होंगी दोस्तों, क्या कि जो अगर उसका काला काला जीरा है या नीला जीरा है या लाल जीरा है, जो उसकी बारीक तितलियां होंगी बारीक चिड़ी पर होंगे तो उसमें यहाँ बारीक का एंडला हिस्सा जो होता है ये देखिए ये एंडला हिस्सा बिल्कुल सफेद होगा उसका ये, ठीक है, ये चिड़ी पर है सफेद पर होगा ये, ठीक है, ये सफेद होगा, कि बीच बीच में कोई कबूतरों के सफेद पूरे पूरा सफेद पर भी आ जाया करता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और एक तो हो गया कि पर पूरा नीला और ये जो है लाइनिंग इसकी सफेद हल्की बहुत बारीक सफेद हल्की नजर आएगी ये, ठीक है, और थोड़ा मैं ऊपर से दिखा दूँ आपको मैं, और ज्यादातर इनमें एक चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, सिर भी इनके जो इनके मोड़े का रंग होता है बाजू का रंग होता है वही कलर थोड़ा और फिक्का डाउट जीरेपन में आके ये चेहरे पे ले आते हैं, जिसे लोग बाग मुखी कह देते हैं सफेद मुखी, ठीक है, तो ये इस तरह का पर ले आते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये बिल्कुल सफेद पर है नीला पर है, तो एक सफेद एक नीला एक सफेद एक नीला इस तरह करके ये यहाँ से जीरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको थोड़ा और नीचे लेके एक चीज और दिखा देता हूँ। एक तो मैंने इसमें आपको यहाँ बताया था कि पर काला पर या नीला नीला पर लेके चल रहा है, नीला पर बिल्कुल है तो लास्ट लाइनिंग उसकी बिल्कुल सफेद होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। अब दूसरा उलट आ जाए नीचे को, ठीक है, यहाँ पर नीला पर है बीच में सफेद लाइनिंग ये आ जाएंगी, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनिंग लंबी लंबी लाइनिंग आ जाएंगी। ठीक है, इसमें यह भी हो जाएगा कि कबूतर का पर दोस्तों सफेद हो जाएगा और इसकी लाइनिंग काली हो जाएगी, तो मैं आपको वो फोटो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हम चलते हैं पीछे, दोस्तों एक फोटो शो कर देता हूँ मैं, ये मेरे दोस्तों काफ़ी पुरानी फोटो है, तकरीबन 1998 की फोटो है ये, वर्धमान मिल के सामने ये, ठीक है, मेरी टी शर्ट का नंबर 3 था और उस टाइम मैच खेला करते थे हम काफ़ी, और सन 2010 11 11 तक हमने मैच काफ़ी खेला। ठीक है, उसके बाद जो है अपना लाइफ में बिजी हो गए और ये शौक कम होता चला गया। ठीक है, तो काफ़ी मैच खेलने जाया करते थे। ठीक है, तो चलते हैं अपना पीछे,
तो यहाँ से फोटो लेते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं हम कि दोस्तों ये फोटो वही है जो मैं आपको तकरीबन वीडियो में शो करता रहता हूँ और आपको गाइड करता रहता हूँ। तो मेरे पास फोटो कलेक्ट पड़ी रहती हैं। ठीक है, अब ये बच्चा देखिए आप दोस्तों। ठीक है, ये भी जीरा जीरा बच्चा कहलाएगा। इसे हम गजरा नहीं कहेंगे, चपड़ा नहीं कहेंगे, चीना वगैरह नहीं कहेंगे। ठीक है, ये भी जीरा बच्चा है। ठीक, और इसके परों में भी वही क्वालिटी है, हल्के बारीक पर। ठीक है, मैं जूम करता हूँ इसको भी। ये देखिए, यहाँ देखिए आप कितना बारीक सफेद पर ये जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, और वो में यहाँ फिक्कापन आ जाएगा, सफेद नहीं तो फिक्कापन आ जाएगा। कहने का मतलब एक पर में दो कलर। यहाँ देखिए, ये इसका चिड़ी पर है ये। ठीक है, आधा इधर से सफेद है ये, आधा उधर से सफेद है ये। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी बीच बीच में सफेद पर आ रहा है ये। और यहाँ देखिए, जो मैंने आपको समझाया था कि पर के बाहर की लाइनिंग सफेद होगी, यहाँ देखिए, ये देखिए। ठीक है, जो माउस का निशान है, पंजे का निशान है, इसको ध्यान से देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, ये देखिए, ये ठीक, ये सफेद दिखाई देगी। तो मैं एक एक करके फोटो आपको शो करता हूँ, इसमें कितने तरह की इसमें पहचान हो जाती है, जिससे कि हम कबूतर को गलत गाइड ना करें। लोग बाग इसको चपड़ा भी कह देते हैं, गजरा भी कह देते हैं, गजरा नहीं, जीरा कबूतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट फोटो शो करता हूँ मैं आपको। ये देखें दोस्तों, जो मैं सफेद पर की क्वालिटी बता रहा था, ये काला जीरा है। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने आपको नीला जीरा दिखाया। ठीक है, अब ये काला जीरा आ गया। इसकी पूरी गर्दन भरी हुई है काली। ठीक है, हल्का सा चेहरा यहाँ से इसका फिक्का है, बहुत हल्का, ना के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ जाए, इसको भी जूम करके मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ठीक है, चेहरा इसका ये दोस्तों काफी फिक्का है, ना के बराबर है, ये काला ही है। ठीक है, तो यहाँ इसने पूरा काला काला कलर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाए आप, सफेद पर देखिए, सफेद में काले पर ये रहे। ठीक है, अब यहाँ जो क्वालिटी में बता रहा था कि इसमें ये पर को उलट भी कर देते हैं कि सफेद पर ज्यादा और बाहर की लाइनिंग काली है। देखिए, पर सफेद है मगर लाइनिंग इसकी काली है। यहाँ देखिए, ये चिड़ी पर इसके, ठीक है, अंदर से सफेद है और बाहर की लाइनिंग इसकी काली है। ठीक है, तो ये भी जो है जीरा कबूतर है। ठीक है, इसे हम गजरा, चपड़ा वगैरह, चिन्ना वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, ये जीरे कबूतर में आ जाता है दोस्तों। ये काला जीरा है, इसमें ये कलर सफेदपन भी कम हो जाएगा, इसमें कालापन ज्यादा भी आ जाएगा, तब भी ये दोस्तों जीरा ही कबूतर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोटो शो करता हूँ आपको। ये इसी की फोटो है। ठीक है, ये देखिए, ये तिल की तरह ये पर ले लेते हैं, ये अपना एक सफेद एक काला। कई बार सफेद परों की गिनती ज्यादा हो जाती है, कालों की कम हो जाती है, तो वो सफेद जीरा कबूतर हो जाता है। उसकी भी फोटो मैं आपको शो करूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये पर अगर यहाँ से देखो, दबाज ये पर इधर चिट्टे ज्यादा है, इधर दो पर है, बाकी ये तीन पर इसके काले हैं। ठीक है, तो ये दबाज भी हो जाएगा, काला जीरा दबाज। ठीक है जी, ये उसी की नेक्स्ट फोटो है, अगले की। ठीक है, ये रहा है, ये है सफेद जीरे। ठीक है दोस्तों, ये सफेद जीरे है, इनमें आप अगर देखोगे तो बहुत, जैसे जीरा, हम जीरा कह रहे हैं ना दोस्तों, जीरे का मतलब क्या होता है, खाने वाला जीरा। बारीक लाइनिंग, बहुत बारीक लाइनिंग है इसके यहाँ परों में। ये देखिए, ये सफेद जीरे है, यहाँ गर्दन में भी इनके बहुत बारीक लाइनिंग है। सिर सफेद कर गए, जो सिर का कलर है वो इनके बाजू का कलर है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो। और परों में भी यहाँ दोस्तों अपना जो है हल्के हल्के काले पर, बहुत बारीक नीले रंग के काले पर। ठीक है, तो ये जो है सफेद जीरे ही कहलाएंगे, ना कि नहीं आप जो है गजरा वगैरह या कुछ और को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फोटो शो करता हूँ मैं आपको। अब इस बच्चे में दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है, इसको जूम करता हूँ मैं। अब यहाँ परों की क्वालिटी देखे, जो मैंने उसी वीडियो में आपको समझाया था कि सफेद पर बाहर की लाइनिंग ये काली कर गया, यहाँ भी काली कर गया, यहाँ पर ये चितला कर गया, उसमें जीरा, ठीक है, पर में जीरा फैल गया। यहाँ देखिए, ये अपना तिल इन्हें बना रखे है, लाइनिंग लेके आया हुआ, यहाँ लाइनिंग लाया हुआ है परों में। ठीक है, और यहाँ ये दवाज हो गया। ठीक है, ये सफ़ेद जीरा दवाज बच्चा हो गया। ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों, और इसी का एक जीरा दवाज मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये बनेगा आगे को। मेरे पास एक फ़ोटो और कलेक्ट की मैंने नेट पे से ही दोस्तों। ये है मुखी कबूतर, इसको ज़्यादातर लोग बाग मुखी कह देंगे, अगर ये काला मुखी, जीरा मुखी, लाल मुखी, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद तो सफ़ेद ही हो जाएगा, ठीक है, काला मुखी, नीला मुखी, इस तरह लोग बाग कह देते हैं, मगर ये जीरा है, इसको जीरा मुखी भी आप कह सकते हो। ठीक है, जीरा मुखी, ये जीरे पर है इसके यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हो, परों
परों में हल्की सी बारीक सफेद लाइनिंग, अंदर से काला पर बाहर से काली काली लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के ये पर जो है इसमें, ये इसको जीरा कबूतर कहलाएंगे। और ज़्यादातर जीरे कबूतर अगर लाल है तो ये पोटा यहाँ से जो काला है उसको लाल करेंगे, नीला है तो वो इसको जो है हरा जामनी या काला करेंगे, लाल है तो भी उसको लालपन में उसको तेज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फोटो आपको शो करता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये है सफेद जीरे कबूतरों का जोड़ा जो अभी एक बच्चा शो किया था मैंने, शायद वो बड़ा होकर के ऐसे ही बनेगा। ये देखिए इसके सफेद पर जो है दोस्तों, लास्ट की लाइनिंग इन्होंने काली की हुई है, और शुरू की फोटो जो मैंने आपको दिखाई थी उन्होंने काले पर की सफेद लाइनिंग ली हुई थी। अब यहाँ पर देखिए ये चिड़ी पर अगले, ये सबसे बड़ा चिड़ी पर, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मगर इसने हर पर की लाइनिंग जो है काली की हुई है, यहाँ भी इसने काली की हुई है। और मैंने जो अभी आपको बताया था कि सफ़ेद जीरा कबूतर है, अगर परों में उसके कालापन है, अगर लालपन होता तो ये यहाँ लाल लेके आता पर, ठीक है, अगर यहाँ काला कालापन है दोस्तों तो ये यहाँ पर काले ही पर लाएगा, ना कि लाल पर लेके आएगा, ठीक है। ये जीरा कबूतर है, सफ़ेद जीरा कबूतर, और ये क्या है, 10 पर सफ़ेद, तो ये हो गया सफ़ेद कबूतर, जीरा कबूतर सफ़ेद दवाज, ठीक है। तो मादिन भी देखिए ऐसी है, सेम क्वालिटी की मादिन है, बहुत लाजवाब हाई क्वालिटी का जोड़ा है, पंजे लाल सुरख पंजे है, मादिन जामनी पंजों में से है, बहुत लाजवाब जोड़ा है जिस भाई का भी ये है, ठीक है। तो हमारे भाइयों को पता लग गया होगा जीरा कबूतर किस तरह का होता है, क्या पहचान होती है। हमारा कोई भी भाई जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो कभी भी डाउटफुल नहीं रहेगा कि हाँ यार इमरान भाई हम समझ नहीं पाते कबूतर कौन सी नस्ल का है। तो हमारे साथ जुड़े रहो और हम आपको एक एक करके कबूतरों की वीडियो फोटो दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कौन से कबूतर की कैसे पहचान होती है। जीरे कबूतर की दोस्तों कभी भी बाजू के परों से पहचान नहीं होती, बाजा बाजा कबूतरों की बाजू से पहचान होगी, वो वीडियो भी हम डालेंगे, जो नस्ल परों से पहचाना जाता है उसकी वीडियो भी हम डालेंगे, ठीक है। बाजा बाजा कबूतरों की सिर्फ खोपड़ी से पहचान होती है, आँख से पहचान होती है कि ये आँख है तो वो अपना ये नस्ल का है, अगर ये आँख नहीं है तो उस नस्ल का नहीं है, ठीक है। बाया बाया कबूतरों की जो है परों से पहचान होती है। तो हम आपको दोस्तों जैसे जैसे आगे जाएंगे हम आपको टोटल जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो फोटो के आगे चलते हैं, ठीक है। एक ये फोटो भी मैंने नेट से कलेक्ट की है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये नीली जीरी कबूतरी है, ठीक है, इसमें नीलापन है और नीलेपन में सफ़ेदपन हल्का सा झलक मार रहा है, बाजू इसकी काली है, काले पर है ये, कालों में भी इसमें हल्का सा सफेद झलक मारेगा, और गर्दन पे आप ध्यान से देख सकते हो जो कलर इसका यहाँ था, ठीक है दोस्तों, जो कलर इसका यहाँ परों पे था वो कलर ये अपना यहाँ गर्दन पे लेकर के आई है, और जो बाजू का कलर था वो सिर पर लेकर के आई है, ठीक है। तो ये जीरे कबूतर हो जाएंगे, जीरे कबूतर, ठीक है। ये काला जीरा खड़ा है सामने, ठीक है दोस्तों, और ये इधर लाल जीरा, मैंने कहा था ना कि लाल जीरे होते हैं, मैंने आपको चारों क्वालिटी दिखा दी दोस्तों, नीले जीरे, लाल जीरे, सफ़ेद जीरे, काले जीरे। अब आप इसमें लाल जीरे में भी आप ध्यान से देख सकते हो, जो शायद अगर ये मादिन इधर खड़ी होती तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ दोस्तों मैं जूम करता हूँ, मैं यहाँ पर देख सकते हो आप दोस्तों, ये रहे ये पर जो मेन चिड़ी पर होते हैं इनके, उनका किनारा इन्होंने लाल किया हुआ है, उसने काला किया हुआ था, एक ने नीला किया हुआ था, ठीक है, और सफेद जीरे कबूतर ने जो कि था वो काला किया हुआ था, और इसने क्या किया हुआ है, लाल, ये लाल किया हुआ, ये लाल इसके पर है, ठीक है। अब जो इसके ये लाल पर की क्वालिटी है, तो ये क्या है दोस्तों, ये लाल पर की क्वालिटी यहाँ जो है ये इसकी यहाँ झलक रही है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है, जीरा फैला हुआ है, सब्जी जीरा होता है ना जो मसालों में डलता है जीरा, ये नीचे लाइनिंग आई हुई है इसके, बारीक बारीक लाइनिंग आई हुई है ये, ठीक है। और जो इसके मोड़े का कलर है यहाँ, वो इसकी खोपड़ी का कलर है, ध्यान से देखे दोस्तों, बड़ी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई इतनी बारीकी से आपको यूट्यूब पर शायद समझाए, ठीक है। ये देखे जो यहाँ यहाँ कलर है वो इसका खोपड़ी पे कलर है, ठीक है। तो ये लाल जीरी कबूतरी हो गई। तो आगे से कोई भी भाई किसी कबूतर का गलत नाम से पहचान ना करे, हम चाहते हैं कि जो कबूतर की पहचान होती है उसको उसी नाम से जाना जाए, ना कि उसको अलग नाम से जाना जाए। तो बड़ी बारीकी से दोस्तों मैंने आपको समझाया, और नेक्स्ट कबूतर की फोटो मैं आपको शो करूंगा कि आपने इस कबूतर का नाम बताना है, कि इस कबूतर को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो फोटो मैं इसमें आपको आखिर में शो कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये फोटो है कबूतर की, और इसको ध्यान से देख लें आप, और हमें बताएं कि इस कबूतर को क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके जितने भी कलर होते हैं और डिज़ाइन
डिजाइन, इसके परों में डिजाइन जो भी आते हैं मैं सारे शो करूंगा आपको। आप इस कबूतर को देखें ध्यान से और हमें बताएं इस कबूतर को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, क्या नस्ल है, ठीक है। फिर डिटेल के साथ मैं आपको शो करूंगा इसकी और फोटो। इसी में एक फोटो और शो कर देता हूँ क्योंकि कंप्यूटर पर इसकी फोटो साफ साफ नजर नहीं आ रही, तो इसी वीडियो में एक दो फोटो और शो कर देता हूँ। तो आप इस नस्ल के नाम बताएं, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इस नस्ल को क्या कहते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।